यूजुअल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं से राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटने का आह्वान किया। बागपत पर दौरे पर पहुंचे योगी ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को बूथ स्तर तक बेहद मजबूत करने के निर्देश भी दिए हुए और साथ ही कहा है कि चुनाव के लिए अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी की जाए। योगी ने दावा किया कि कर्मियों की भर्ती में बागपत के लगभग हर गांव का नौजवान भर्ती हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि रमाला चीनी मिल दोगुनी क्षमता से चल रही है और मेरठ बागपत सोनीपत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण भी किया गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान सांसद सत्यपाल सिंह ने भी मुख्यमंत्री से बागपत के लिए कई विकास प्रस्ताव की मंजूरी भी मांगी। उन्होंने चीनी मिल का विस्तारीकरण, रोडवेज बस अड्डे का निर्माण कराने और मितली में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराने की मांग की। बता दें मुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। तो बता दें योगी आदित्यनाथ कल अपने बागपत दौरे पर पहुंचे थे जहां उन्होंने कई कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात की और आने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी सक्रिय रहने की नसीहत पदाधिकारियों और नेताओं को दी। लगातार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने इस समय कमर कस ली और सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसे में बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ कल बागपत का दौरा करने पहुंचे थे जहां उन्होंने बागपत के लिए कई बातें कहीं और उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों में सबसे ज़्यादा जवान बागपत के हर गांव का नौजवान इस समय यूपी में पुलिस कर्मी है और ऐसे में बागपत के कई विकास कार्यों के योजनाओं का भी उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि बागपत के विकास के लिए वो जल्द ही कुछ सोचेंगे और उनका आश्वासन उन्होंने पदाधिकारियों को दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर उनसे किसानों द्वारा लिए गए अकाल्पनिक फसल ऋणों के भुगतान के लिए दी गई मोहलत को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। गांधी ने ऐसे ऋणों पर सभी दंडात्मक ब्याज से छूट की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरे देश के किसान गंभीर आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केरल में उनके निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में बड़ी संख्या में छोटे और हाशिए पर पड़े किसान रहते हैं। उन्होंने कहा कि केरल का एक बड़ा हिस्सा 2018 और 2019 में लगातार 2 साल से आई बाढ़ों में तबाह हो गया है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि किसान इससे उभर नहीं रहे थे कि कोविड महामारी आ गई, इसने किसानों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया। फिलहाल किसान ब्याज छूट योजना के तहत रियायती दर पर अल्प अवधि का फसल ऋण लेते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार लगाए गए लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला में अड़चन और बाजार तक सीमित समिति पहुंचे, इसके लिए भी कई वजह से किसानों की आय बुरी तरह से प्रभावित हुई है। साथ ही गांधी ने कहा कि बढ़ते कर्ज के साथ साथ भावी आर्थिक अनिश्चितता ने किसानों की वक्त पर कर्ज चुकाने की क्षमता को प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मियों को तोहफा देते हुए राज्य कर्मियों को बढ़ाए डीए देने का आदेश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंजूरी के लिए वित्त विभाग से प्रस्ताव भी मांगा है। बता दें डीए बढ़ने से राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% बढ़ोतरी होगी। साथ ही डीए देने से सरकारी खजाने पर 64 अरब का सालाना बोझ भी पड़ेगा। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते 1.5 साल से महंगाई भत्ता स्थगित था और राज्य कर्मियों को जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता मिलेगा। जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने के वेतन के साथ डीए देने की पूरी तैयारी है और इससे 15 लाख राज्य कर्मियों को
बढ़े हुए डीए का फायदा भी मिलेगा। इतना ही नहीं 12 लाख पेंशनर्स को भी डीआर का लाभ मिलेगा। वहीं डीए डीआर 17% से बढ़कर 28% किया जाएगा। साथ ही प्रति नियुक्ति में भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से 24 अप्रैल 2020 को जारी आदेश में कहा गया था कि भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुरूप राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्रावधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया था कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2019 से लागू दरों पर अनुमेय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाता रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में इस साल बिजली दरें नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। आयोग के फैसले से प्रदेश के करीब 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। आयोग ने आदेश दिया है कि अभी वही टैरिफ लागू रहेगा जो वर्तमान में है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इस फैसले से बिजली कंपनियों को बड़ा झटका जरूर लगा है। बिजली कंपनियों ने स्लैब परिवर्तन और रेगुलेटरी असेट के माध्यम से उपभोक्ताओं की दरों में 10 से 12% रेगुलेटरी सरचार्ज लगवाने का प्रस्ताव भी रखा था। आयोग ने इन दोनों ही प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही बिजली कंपनियों ने आंकड़ों में नुकसान दिखाकर दरें बढ़वाने की भी पूरी तैयारी की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस मामले पर उपभोक्ताओं की पैरवी कर रहे राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने ऐसे तर्क और आंकड़े दिए हैं कि आयोग ने माना है कि बिजली उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 1,000 से ज्यादा करोड़ बकाया निकल रहा है। और अवधेश वर्मा ने बताया कि बिजली कंपनी पर उपभोक्ताओं का अब तक का कुल 20,000 करोड़ से ज्यादा निकल रहा है। और एक बार फिर से उपभोक्ता परिषद आयोग में मुद्दा उठाकर बिजली दरें कम करने की मांग भी करेगा। साथ ही इसी साल जून में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टैरिफ बदलने के प्रस्ताव पर भी रोक लगा दी थी। बता दें मामले को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग से भी जवाब तलब किया था और आयोग से 8 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। टैरिफ में बदलाव के प्रस्ताव में नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगा था। कोरोना वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से अपील की है कि वो मेडिकल डिवाइस पार्क या फार्मा पार्क डेवलप करें ताकि मेडिकल सुविधाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा उपकरण हिंदुस्तान में ही तैयार किए जा सके। इस अपील को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 28 में प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मेडिकल सुविधाओं को लेकर कि हम कितना तैयार हैं इसकी सच्चाई से कोरोना महामारी ने हमें रूबरू करा दिया है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि देश में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल उपकरण तैयार हो ताकि हम दूसरे देशों पर आश्रित न रहें। इसीलिए उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वो मेडिकल डिवाइस पार्क अपने राज्यों में डेवलप करें ताकि मेडिकल संबंधित जो भी उपकरण चाहिए वो तत्काल ही उपलब्ध हो सके। साथ ही जो मेडिकल सेक्टर बाहरी देशों पर आश्रित हैं वो खुद भी आत्मनिर्भर बन सकें। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में गुरुवार को 3 अलग-अलग इलाकों में संदिग्ध ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में देखे गए और इनमें से 2 ड्रोन आर्मी कैंप और ITBP कैंप के पास देखे गए हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से उन पर गोलीबारी भी की गई, लेकिन तीनों ही ड्रोन वहां से बचकर निकल गए। मिली जानकारी के मुताबिक एक ड्रोन सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास देखा गया तो दूसरा सांबा जिले में ही
डिहरी घगवाल के पास मौजूद आईटीबीपी कैंप के पास और तीसरा सांबा जिले के बारी क्षेत्र में आर्मी कैंप के पास दिखा। वहीं बीएसएफ ने संदिग्ध ड्रोन पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ गोलियां भी चलाई थी, लेकिन वो बचकर निकल गए और फिर गायब हो गए। इससे पहले 23 जुलाई को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू जिले के सीमावर्ती इलाके में 5 किलोग्राम वजन के विस्फोटक सामग्री आईडी ले जा रहे ड्रोन को मार गिराया था। बताया गया था कि ड्रोन में लगभग तैयार अवस्था में 5 किलोग्राम आईडी सामग्री थी, जिसमें विस्फोट से पहले सिर्फ तारों को ही जोड़ना बाकी था। यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक व्यंगात्मक पोस्टर पोस्ट किया है। इस पोस्टर का मतलब है कि लखनऊ में अगर किसानों ने घुसने की कोशिश की तो उनका बहुत बुरा हश्र होगा। बीजेपी ने पोस्टर जारी करके एक तरह से राकेश टिकैत को चेतावनी दी है। पोस्टर के जरिए ये भी कहने की कोशिश की गई है कि राकेश टिकैत ने दिल्ली के मुखिया को तो घसीट लिया, मगर यूपी में वो खुद घसीटे जाएंगे। आपको बता दें कि चंद दिन पहले ही राकेश टिकैत ने लखनऊ गए थे और उन्होंने लखनऊ में ऐलान किया था कि दिल्ली के बाद अब किसानों का अगला पड़ाव लखनऊ ही होगा। ये मान सकते हैं कि टिकैत के बयान पर कार्टून के जरिए बीजेपी ने ये पलटवार किया है। तो बता दें, राकेश टिकैत ने बीते दिनों ये कहा था कि लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, जिसके बाद बीजेपी ने ट्विटर पर यह पोस्टर रिलीज किया है और इस पोस्टर में व्यंगात्मक तरीके से ये लिखा है कि अगर राकेश टिकैत लखनऊ आएंगे तो उनका वहां पर बहुत बुरा हश्र होगा। बता दें, पिछले कई महीनों से 7 से 8 महीने हो गए हैं किसानों को दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में राकेश टिकैत जब लखनऊ पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर यह ऐलान किया था कि वो लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे और लखनऊ की अलग अलग सीमाओं पर वो ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे जैसा वो दिल्ली में कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अब अपना ब्राह्मण सम्मेलन 22 के बदले 5 अगस्त से ही शुरू करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट के चक्कर से बचने के लिए नाम दिया गया है प्रबुद्ध सम्मेलन। ब्राह्मणों का पहला जमावड़ा बलिया में होगा। बता दें, पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जनेश्वर मिश्र की उस दिन जयंती है और इसीलिए 5 अगस्त से ब्राह्मण सम्मेलन करना तय हुआ है। पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सहमति दे दी है। वो खुद ब्राह्मण सम्मेलन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को इस जाति के लोगों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। तय समय से पहले ही ब्राह्मण सम्मेलन करने का मामला इतना सीधा नहीं है। इसका कनेक्शन अखिलेश यादव के कट्टर विरोधी मायावती से है, जिनकी पार्टी हफ्ते भर से ब्राह्मणों को अपना बनाने में जुटी हुई है। इसी काम में लगे हैं बहन जी और के सबसे करीबी और पार्टी के ब्राह्मण चेहरा सतीश चंद्र मिश्रा। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन पूजन और सरयू मैया की आरती के से उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया था। अयोध्या, अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और अमेठी में ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं, जबकि दूसरे चरण का सम्मेलन सतीश मिश्र ने मथुरा से शुरू करने का ऐलान किया था। बता दें कि अयोध्या भगवान राम की नगरी और मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है। ऐसे में बीएसपी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है। दरअसल बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र घूम घूम कर ब्राह्मणों से बीजेपी से अपमान का बदला लेने की अपील कर रहे हैं। उनका दावा है कि योगी सरकार में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है। साथ ही मायावती ने ब्राह्मण और दलित वोटों के बूते ही 2007 में बहुमत की सरकार भी बनाई थी और वो चौथी बार यूपी की सीएम बनी थी। उससे पहले वो 3 बार दूसरी पार्टियों के सहयोग से सत्ता में आई थी। बता दें, ब्राह्मण और दलित को एक साथ लाकर सत्ता में आने के मायावती के प्रयोग की देश भर में बड़ी चर्चा हुई थी। इसे बहन जी का सोशल इंजीनियरिंग भी कहा गया था।
टोक्यो ओलंपिक के सातवें दिन भी भारतीय खिलाड़ियों का जलवा दिखाई दे सकता है। बैडमिंटन में जहां पीवी सिंधु से भारतीय फैंस को काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं तीरंदाजी में दीपिका कुमारी पदक की ओर निशाना साध सकती हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए छठा दिन काफी अच्छा साबित हुआ था। पीवी सिंधु ने डेनमार्क की मिया को 21-15 और 21-11 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय हॉकी टीम के लिए भी छठा दिन काफी लकी साबित हुआ। बता दें भारतीय हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गई है। गोल्फ के मेंस एंडिवर मैच में अनिबन लिहाड़ी और उदयन माने भारत की ओर से चुनौती पेश कर रहे हैं। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे से शुरू हो गया है और आर्चरी में सुबह 6 बजे भारत की ओर से दीपिका चुनौती पेश कर रही हैं। उनके सामने सोनिया पेरोवा होंगी। दीपिका ने छठे दिन ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कदम आगे की ओर बढ़ा लिया था। बता दें तीरंदाजी में भारत के लिए ही बेहद अच्छी खबर आई है। दरअसल भारत की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में दीपिका कुमारी को हालांकि बेहद कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। 5 सेट में नतीजा नहीं निकलने के बाद भी मैच शूटआउट तक पहुंचा। दीपिका ने शूटआउट में परफेक्ट 10 स्कोर कर क्वार्टर फाइनल का सफर तय कर लिया। असम मिजोरम की सीमा पर पिछले दिनों हुई झड़प के बाद अब असम सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर अपने लोगों को मिजोरम नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही मिजोरम में रह रहे लोगों और इमरजेंसी में जाने वाले लोगों से सावधान रहने के लिए भी कहा है। बता दें एडवाइजरी में हिंसा की घटना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस घटना के बाद भी कुछ मिजो सिविल सोसाइटी, छात्र और युवा संगठन लगातार असम राज्य और उसके लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी कर रहे हैं। असम पुलिस के पास उपलब्ध वीडियो फुटेज से यह पता चला है कि कई नागरिक स्वचालित हथियारों से लैस हैं और इन्हें कारणों से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। बता दें कि विवाद के बीच मिजोरम पुलिस ने असम के अधिकारियों की एक टीम पर सोमवार को गोलीबारी कर दी थी, जिसमें असम पुलिस के 5 कर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई थी। एक पुलिस अधीक्षक सहित 50 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे। कोरोना महामारी पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज एनके प्रेमचंद और विनायक राव देश में कोविड-19 के हालात का मुद्दा उठाएंगे। राज्यसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही इस पर चर्चा हो चुकी है। बता दें कि कोरोना मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया था कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश में बनी संकट की स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से भारत को पूरा सहयोग मिला था। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि भारत ने स्पुतनिक कंपोनेंट 1 टीके की 31 लाख से ज्यादा इकाइयां और स्पुतनिक कंपोनेंट 2 टीके की 4 लाख से ज्यादा इकाइयों का अभी तक आयात किया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन विशिष्ट दवाओं और उपकरणों के लिए एकजुटता और सहायता के प्रस्तावों के साथ आगे आया जो उस समय तक हमारे देश में तुरंत उपलब्ध नहीं थे, जब तक कि हमारे अपने घरेलू उत्पादन में सुधार नहीं हुआ। मुरलीधरन ने बताया कि अब तक 52 देशों से विदेशी सामग्री प्राप्त हो चुकी है, जो सरकार से निजी भारतीय समुदाय सहायता और कंपनियों के माध्यम से मिली है। साथ ही अंतर मंत्रालय समिति से दान की मंजूरी भी मिल गई है और इसी समिति में स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, DPIID, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के अब संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल केरल में संक्रमण के लगातार सामने आ रहे मामलों में तेजी से उछाल आया है, जिसके चलते केंद्र ने तत्काल उच्च स्तरीय टीम को रवाना भी कर दिया है। दिल्ली से रवाना हुई 6 सदस्यीय टीम में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर सुचेत कुमार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है और अगले 3 दिन में टीम से रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया
समीक्षा पर इसकी जानकारी दी। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि 30 जुलाई को टीम केरल के कुछ कोरोना प्रभावित जिलों का दौरा करेगी और वहां बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी देगी। इसके अलावा टीम अपनी पूरी रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार दोनों के साथ साझा करेगी। वहीं आंकड़ों का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल सक्रिय मामलों में 37% हिस्सेदारी केरल की ही है। यहां 1,00,000 से ज्यादा मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। तो बता दें, लगातार केरल में बढ़ते मामलों ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। इसीलिए दिल्ली से केंद्र सरकार की तरफ से एक टीम भेजी गई है और उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि वहां जाकर वो टीम संक्रमण का पता लगा सके। दिल्ली अब सैलाब के संकट से दूर नहीं है। दरअसल यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से आज सुबह से ही लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर बढ़ गया है और यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे का पुल भी बंद कर दिया गया है। छोटी छोटी नहरों को बंद कर सारा पानी राजधानी की ओर छोड़ दिया गया है। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर बहाया गया तो यमुना में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। जब ये पानी दिल्ली तक पहुंचेगा तो निचले इलाके पूरी तरह से डूब सकते हैं। जहां तक खतरे के निशान का पैमाना है तो फिलहाल हालात काबू में हैं। आमतौर पर हटनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी 48 से 72 घंटे में दिल्ली पहुंचता है और जब यह पानी दिल्ली पहुंचेगा तो यमुना चेतावनी के स्तर पर पहुंच सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा के पिनाहट ब्लॉक में बारिश के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने की वजह से समस्या का कारण है और इसी के साथ स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जल भराव की स्थिति होने से वहां पहुंचने वाले मरीज और तीमारदार सहित स्वास्थ्य कर्मियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों में ज्यादातर गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिस वजह से किसी अनहोनी का डर भी लोगों में लगातार बना रहता है। आगरा में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिनाहट घाट पर जलस्तर 122.5 मीटर तक पहुंच गया है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते दो दिनों से लगातार चंबल का जलस्तर बढ़ रहा था। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ते जलस्तर को लेकर चंबल नदी के घाटों का निरीक्षण भी किया था और इसी के साथ राजस्व कर्मचारियों को तटवर्ती इलाकों में चौकियों पर निगरानी रखने और ग्रामीणों को अलर्ट रहने के आदेश भी दिए थे। वहीं चंबल नदी में बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।